चित्रकूट के सटे एक गांव में अनुसूचित जाति की किशोरी घायल बेसुध अवस्था में रामघाट के पास मिली, पर जिन्होंने किशोरी को घर से अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। किशोरी के परिजनों ने बताया कि गुरुवार शाम पुत्री लापता हो गई थी। रात को घर न आने से परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर अपहरण का शक जताया था। शुक्रवार को दिन भर परिजन किशोरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शाम को रामघाट के पास बेसुध अवस्था में किशोरी के मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। किशोरी की फोटो से चेहरा मिलान किया गया। शिनाख्त होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजन किशोरी की हालत देखकर रोने लगे। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई है। दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग की है। इस संबंध में सीओ हर्ष पांडे ने बताया कि किशोरी बेसुध मिली है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट आने और किशोरी के बयान के बाद ही जानकारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।